साथियों, आधुनिक शस्त्रों के विकास के लिए दो प्रमुख आवश्यकताएं हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की उच्च क्षमता और उन शस्त्रों का उत्पादन। बीते 5-6 वर्षों में हमारी सरकार ने इसे अपनी राष्ट्र नीति का प्रमुख अंग बनाया है। इसी नीति पर चलते हुए डिफेंस R&D और मैन्युफैक्चरिंग के लिए देश में जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। दूसरे देशों के साथ जॉइंट वेंचर्स पर काम किया जा रहा है। एक फोकस अप्रोच के साथ तमाम साइलोज को खत्म करने की भी कोशिश की गई है, जिसके कारण इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन के लिए आज जरूरी एनवायरनमेंट तैयार है। साथियों, हमारी सरकार ये भी चाहती है कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ सरकारी संस्थानों तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि इसमें निजी क्षेत्र की भी बराबर की भागीदारी हो, साझेदारी हो। मैं समझता हूं कि उपयोगकर्ता और उत्पादक यानी यूजर एंड प्रोड्यूसर के बीच भागीदारी से राष्ट्रीय सुरक्षा को और अधिक शक्तिशाली बनाया जा सकता है। इस कार्य में भारत तथा विदेश के निजी उद्योग अपना योगदान कर सकते हैं। पहले डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में प्राइवेट सेक्टर को टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत समस्याएं आती थी, इसके लिए अब रास्ते खोले गए हैं और DRDO में भारतीय उद्योगों के लिए बिना चार्ज के ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की नीति बनाई गई है। भारतीय उद्योग DRDO के पेटेंट्स अब फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। वहीं रिसर्च में यंग टैलेंट को बढ़ावा देने के लिए DRDO ने 5 नई लैब बनाई हैं। उन्हें 35 साल से कम उम्र के युवा ही मैनेज भी कर रहे हैं और इनमें रिसर्च भी कर रहे हैं। ऐसे कदमों से डिफेंस सेक्टर में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बेहतर इंटीग्रेशन और एक दूसरे की क्षमताओं से बेहतर लाभ मिलने में काफी मदद मिल रही है। इसके अलावा इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के लिए इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग रिजिम को उदार बनाया गया है। इससे रक्षा क्षेत्र में न्यू एंट्रेंट्स का खास तौर पर SMEs की एंट्री आसान हुई है। निजी क्षेत्र की सहूलियत बढ़ाने के लिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री द्वारा बनाए जा रही 600 वस्तुओं में से हमारी सरकार द्वारा 275 को नॉन कोर घोषित किया गया है। साथियों, हमारी सरकार हमारा डिफेंस सेक्टर में FDI के नियमों को भी आसान और लिबरल किया गया है। अब डिफेंस सेक्टर में 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का रास्ता साफ हुआ है, जिसमें से 49% ऑटोमेटिक रूट से संभव हो सकता है। बीते 5 वर्ष में डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर में करीब 1700 करोड़ FDI आने का मार्ग बना है। ऑफसेट के क्षेत्र में भी अनेक बदलाव किए गए हैं। ऑफसेट गाइडलाइंस को और ज्यादा फ्लेक्सिबल बनाया गया है। ऐसे कदमों से वर्ल्ड सप्लाई चेन में
भारतीय उद्योगों की भागीदारी बढ़ेगी। दुनिया के टॉप डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स को अधिक कॉम्पिटेटिव इंडियन पार्टनर्स मिलेंगे।